हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपके लिए लाए हैं आंवले का ऐसा मुरब्बा जो बनने के बाद भी हरा रहेगा। यहाँ पर हमने 1 किलो आंवले लिए हैं, फ्रेश आंवले लिए हमने, बड़े बड़े से पके आंवले लिए हैं और इनको हमने फॉक से सारा गोद लिया है, अच्छे से, काफी अच्छे से गोदे हैं। अब हम इनको यहाँ पर पानी में जब खौल आएगी तभी फिटकरी डाल देंगे हम, फिर आगे आपको बता। पानी में खौल आ रही है, अब इसमें हम फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी हम थोड़ी सी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी हम बचा लेंगे। और इसको फिटकरी डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा घोल देते हैं, चला देते हैं इसको। चलाने के बाद हम यहाँ पर ये सारे आंवले डाल देंगे। आंवले जब 1 घंटे इसमें पड़े रहेंगे, फिर 1 घंटे बाद हम आंवलों को निकालेंगे। यहाँ पर 1 घंटा हो गया हमें फिटकरी के पानी में डाले हुए, और चूने के पानी में 2 दिन तक डालने का झंझट अब खत्म हुआ। फिटकरी के पानी में 1 घंटे तक डालने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये काफी सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए, इनमें पानी भी निकल रहा है, ये देखिए। और इनको निकालने के बाद हम इसको कॉटन के कपड़े से अच्छे से इनको ऐसे करके दबा दबा कर इसको हम ऐसे इसका पानी सुखा लेंगे। और पानी सुखाने के बाद हम इनको 1 घंटे धूप में रख देंगे। धूप में रखने से इनका पानी थोड़ा सा खत्म हो जाएगा और ये साल भर से ज्यादा आप 2-3 साल के लिए रख सकते हैं। बताते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये हमने आंवले धूप में 1 घंटे के लिए सुखा लिए हैं, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, काफी सूख गए हैं अच्छे से और धूप भी काफी तेज थी। और 1 किलो आंवले के लिए हमने 1 किलो चीनी ली है, इलायची पाउडर, काला नमक और ये काली मिर्च का पाउडर। इससे टेस्ट काफी अच्छा आ जाता है इसमें आंवले के मुरब्बे में। बनाते हैं यहाँ पर हम आंवले को पहले डाल देंगे, फिर इसके ऊपर से हम चीनी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम चला देंगे। हमने यहाँ पर गैस को बिल्कुल स्लो रखा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि धूप लगे हुए आंवले हैं, इनमें ज्यादा जूस पहले से नहीं छोड़ता है, तो 2-4 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे बस। इसकी गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिससे कि ये जो चीनी है जल्दी मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ देखिए चीनी काफी अच्छे से मेल्ट हो रही है। इसमें हमने 2-4 चम्मच ही पानी डाला था और इसका आंवले का जो जूस है उससे ये चीनी मेल्ट हो रही है। आंवले अपना जूस छोड़ते हैं। देखिए चाशनी बिल्कुल अच्छे से बन रही है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल देंगे इसमें, फूड कलर, जिससे इसका कलर ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा, काफी अच्छा लगेगा दिखने में। अच्छे से मुरब्बा पक रहा है, ये सारे आंवले अच्छे से पक रहे हैं। इनकी चाशनी को जरा हम चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी चाशनी हम यहाँ पर प्लेट में डालेंगे और इसकी चाशनी को हम थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा तो चेक करेंगे। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। एक तार की बन चुकी है, हमें
चाहिए थी, परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। यहाँ पर एक आंवले को बाहर निकालकर चेक कर लेते हैं कि पक गया कि नहीं। ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, ये परफेक्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें एक चम्मच करीब हम इसमें काला नमक डाल देंगे, इससे टेस्ट काफी अच्छा होता है आता है। अगर आपको काला नमक नहीं पसंद है तो आप नहीं डालिए, व्रत के लिए भी ये बन सकता है, इसमें नमक मत डालिए और व्रत के लिए आप इसको बना सकते हैं। इसमें एक होल लगाकर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पर मुरब्बा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, ये खोल रहा है। अब हम इसको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, यहाँ पर सर्व कर लेते हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।